क्या हुआ है? काट लिया है तू। देखना उड़ना। एक मिनट एक मिनट, दरवाजा बंद करने दो। मैं दरवाजा बंद कर लूँ, ये ना हो कि ये उड़ जाए। पकड़ो 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 इसको। शुक्र है बाहर नहीं छोड़ा, वरना ये उड़ जाता। ओए इधर से बाहर ना निकल जाए कहीं। मुझे अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज ये कासिम आया है और इसने सुबह सुबह तोता पकड़ के लाया है। देखें कितने मज़े का ये तोता। ये जी इसकी निशानी ये है कि ये जो होती है ना नीली, यहाँ से ही जगह, इसका मतलब ये है कि ये तोता है। तोती की जो है वाइट कलर की होती है। तो अभी इसको पिंजरे में छोड़ेंगे अपने तोतों के साथ। चलें जी इसको छोड़ के देखते हैं अंदर। हाँ पिंजरे में छोड़ना है। क्या हुआ है? काट लिया है। देखना उड़ना। एक मिनट एक मिनट, दरवाज़ा बंद करने दो। मैं दरवाज़ा बंद कर लूँ, ये ना हो कि ये उड़ जाए। पकड़ो 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 इसको। शुक्र है बाहर नहीं छोड़ा, वरना ये उड़ जाता। ओए इधर से बाहर ना निकल जाए कहीं। मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं पकड़ता इसको। जल्दी पकड़ो यार, मुझे डर लग रहा है यार। ये पकड़ा ही नहीं रहा। ये गांव से तूने कैसे पकड़ लिया? यहाँ से नहीं पकड़ा रहा था ये। ओ बहुत जोर का काटता है, इसको छोड़ दो। अब इसके लिए तोती भी लानी पड़ेगी हमें। ये भी बच्चा है ना? हाँ बच्चा है, इसलिए पकड़ने गया, वरना ये वाले होते ना बड़े तो ये नहीं पकड़ने होते। देखे जी माशाल्लाह कितना प्यारा है, ग्रीन कलर का तोता है। देखो कैसे कर रहा है ये, इसको मेरे ख्याल से प्यास लगी हुई है। तो जी अभी इसके लिए तोती भी लानी पड़ेगी, वो इंशाल्लाह मंडी से देखेंगे। अगर अच्छी मिली तो नेक्स्ट सोमवार को जाएंगे मंडी में। ये मैंने बांध दिया था क्योंकि ये दो बार नीचे गिरा हुआ था, इधर एक नीचे अंडा भी पड़ा हुआ था कल। तो ये मैंने फिर जो है ना ऊपर बांधा है रस्सी के साथ, ताकि इसके अंदर अंडा दें। बाकी जी कबूतरों को खोल देते हैं। हाँ वो अंडा ज़ाहिर है नीचे गिरा, टूट गया। कबूतरों को बाहर निकालते हैं जी। फ्रेंड्स कबूतर वगैरह बाहर निकाल दिए हैं, खरगोश फिलहाल नहीं निकाले क्योंकि उनको अंदर ही घास डालेंगे। तो घास होगा कल, लाजमी लेके आना है घास। तो घास इनको पहले डालेंगे, तो फिर कल कौन लेके आएगा? आज शाम को चलते हैं इधर खेतों में, नीचे लेके आते हैं। तो अभी जी देखें किधर गए। घास उधर उधर पड़ा हुआ होगा अंदर ही। दाने भी तोतों के ले आना। तो जी फ्रेंड्स इसके मुर्गी के चूज़े तकरीबन कल 4 से 5 जो है ना मरे हुए थे रात में। सुबह मैं लेट उठाऊँ तो मम्मी ने उठा के फेंक दिए हैं। तो ये चूचे जो चूज़े हैं ना बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है मर रहे हैं। पता नहीं इनको क्या है, मैंने दवाई भी दी है इनको लेकिन ये ठीक नहीं हो रहे। बाकी जी इन चूज़ों को खोल देते हैं, मीडियम चूज़ों को। चलें जी इनको खोल देते हैं। हम जी प्लान बना रहे हैं सब छत पे सफाई करने का। ये देखें कितना ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है यहाँ पे जो है ना। ये सारा सामान हमने कचरे वाले को देना है, ठीक है? ये जो सामान है ना सारा, ये देखें अब इधर शापर भरा हुआ था कूड़े वाला, तो इन्होंने सारा भी घेर दिया चूज़ों ने। ये सारी सफाई करनी है इंशाल्लाह। थोड़ा सा मौसम चेंज होता है ना तो ये हम सेल करेंगे सारा, ये गंद जो है देंगे वो जो होते हैं लोहे लोहे वाले जो लेते हैं, तो उनको देंगे। फिर छत की इंशाल्लाह अच्छी सी सफाई करेंगे। ये ईंटें जो है सारी एक साइड पे इकट्ठी करेंगे, तो वो भी मैं फिर आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। वो जो आगे वाइट वाला मुर्गा लंगड़ा हुआ था ना, वो भी इसी वजह से हुआ था। यहाँ पे चढ़ के नीचे छलांगे लगाते हैं फिर ये। तो अभी जी दाने और डाल देते हैं घास वगैरह खरगोशों को। जी ये दाने की सफाई कर रहे हैं और इनको डाल रहे हैं, मैं तब तक खरगोशों को घास डाल देता हूँ। ये घास देखो शापर में पड़ा पड़ा पुराना हो गया। चूज़े देखें जी बाहर आए हुए हैं, और ये बूढ़ी अम्मा साहिबा जो है अंडा खाने के लिए आई हुई हैं। हमेशा अंडा खा जाती है कबूतरों का, इसलिए मैं अब अंदर आने नहीं देता इनको, चूज़ों को और मुर्गी को। तो जी ये दाने डाल रहा है, मैं बस चलता हूँ बाहर। चलो जी ओए चलो बाहर, चलो चलो चलो। ये छोड़ो जो बचा हुआ घास है ये मैं इनको डाल देता हूँ। ये लो खाओ। ये देखें जी खा रहे हैं घास, सारे इकट्ठे हो गए हैं, क्या कबूतर और क्या खरगोश। हाँ पानी ताज़ा डालना है। मुझे बहुत खुशी हो रही है यार तोते की। पता नहीं तुमने पकड़ा कैसे होगा, काश मैं वहाँ पे होता वीडियो बनाता तुम्हारी, वो भी अपने व्यूवर्स को दिखाते।
तो जी फ्रेंड्स, अभी जो है हम लोग जा रहे हैं घास लेने, तो वहाँ जाके आपके साथ थोड़ा सा ब्लॉग शेयर करते हैं। तो जी फ्रेंड्स, हम निकल आए हैं, अभी जा रहे हैं नीचे घास लेने की तरफ। इधर नीचे की तरफ, हाँ राइट पे। तो सीधा जाने दो, जाने दो। ये है जी कलर सैदा का बॉयज़ हाई स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल है ये। ये इसका मेन गेट है। लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट हो जाओ। आहिस्ता भाई, आहिस्ता चलाओ। यहाँ पे बस देखते हैं किसी जगह पे, आगे चलो आगे। यहाँ पे देखते हैं अगर अच्छा घास मिल जाता है तो। इधर रोको एक मिनट, ये इधर से आगे उस दिन काटा था, देखते हैं इधर। तो जी फ्रेंड्स, अभी देखते हैं यहाँ से काटते हैं। ये अच्छा लग रहा है मुझे। ओए ये अच्छा है ना, ये इस तरफ वाला। ये जी हमारे पास है दराटी, अभी काटते हैं घास। ऊपर ऊपर से काटना, जड़ों से नहीं निकालना, जैसे घर से लेके आते होते हो। सूरज पे जूम करते हैं जी। हाय हाय हाय, कितने मज़े का सूरज आ रहा है। इधर ऊपर वाली साइड है जी हमारे घर। जी तो फ्रेंड्स, ये था आज का व्लॉग, होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।